करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है कि 30 को सीएम योगी 15 लाख से अधिक छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति। ये देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार दिसंबर तक करीब 55 लाख से अधिक गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति वितरण की तैयारियों में जुट गया है। दूसरे चरण की छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम 30 नवंबर को होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करीब 15 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। दरअसल प्रदेश सरकार हर साल करीब 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति एवं पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करती है। इसमें सरकार करीब 4500 करोड़ रुपये खर्च करती है। हर साल छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को होता है। क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए सरकार की कोशिश है कि इससे पहले सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल जाए। सरकार इस साल 2 अक्टूबर को पहले चरण की छात्रवृत्ति वितरित कर चुकी है जिसमें करीब केवल लगभग 1.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी। दूसरे चरण की छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम 30 नवम्बर को होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो स्टूडेंट है छात्रवृत्ति का फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि जब ये वीडियो बन रहा है तब तक अभी डेट चल रही है, लेकिन बहुत जल्द जो ऑलरेडी, क्योंकि अभी यूपी स्कॉलरशिप का जो शेड्यूल था उसमें पहले लास्ट डेट हो गई थी, फिर जब लगातार मांग की गई कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भर पाया है तो दोबारा से लगभग 1 महीने बढ़ा दी गई है। तो इसलिए जो पहले स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इसमें 15 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को यानी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो जिन्होंने पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था पहले फेज में जब इसे ऑनलाइन हो रहा था, लास्ट डेट होने के बाद जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया है उनका थोड़ा भी लेट होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव उससे पहले ही सरकार स्टूडेंट को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट बिल्कुल कंफर्म रहिएगा, अपना खाता चालू करवा लीजिएगा अगर माना कि किसी वजह से फ्रीज या बंद हो गया है, क्योंकि आपका अमाउंट आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।